नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ़ज़ाद मुल सुंदेल। मुंबई की भाईकला जेल में कोरोना के मरीज मिलने के बाद सनसनी फैल गई। जेल में पिछले 10 दिनों के दौरान कैदियों और 6 बच्चों समेत 39 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान कुल 120 कैदियों की जाँच की गई थी। उन्होंने कहा कि संक्रमण से पीड़ित 39 में से 36 को पास के पाटन वाला स्कूल में आइसोलेशन में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। संक्रमित में एक गर्भवती महिला भी शामिल है, उसे जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,276 नए केस सामने आए हैं और 58 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,723 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। राज्य में इस वक्त कोरोना के कुल मामले 65,41,119 हो गए हैं, जिसमें सक्रिय मामले 37,984 हैं, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 65,41,119 हो गया है और टोटल रिकवरी 63,60,735 हो चुकी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हर वक्त करें, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। कोरोना का टीका लगने के बाद भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि सभी लोग त्योहारी सीजन में कोरोना के प्रति सचेत रहें। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 28,326 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,36,52,745 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सुबह 8 बजे तक अध्ययन आंकड़ों के अनुसार 260 और मरीजों की मौत होने से कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,46,918 हो गई है। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,03,476 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.90% है, जबकि कोविड 19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.77% है। इस खबर फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।